11 दिनों के अंदर एक ही परिवार के 4 जनों को कोरोना निकल गया। अब परिवार में एक 8 साल और एक 6 साल की बच्चियां ही बची हैं। दिल दहला देने वाला बेहद दर्दनाक यह हादसा दिल्ली के गाजियाबाद क्रॉसिंग पब्लिक पंचशील वेलिंगटन सोसाइटी का है। परिवार में कुल 6 लोग थे। सबसे पहले 27 अप्रैल को दादा को कोरोना निकल गया। इसके बाद 4 मई को पापा की मौत हो गई। 5 मई को दादी मर गई। वहीं 8 मई को माँ की सांसों की डोर भी टूट गई। परिवार में अब केवल 2 मासूम बच्चियां बची है। इस लोमहर्षक खबर ने सोसाइटी में रहने वाले लोगों को अंदर से झकझोर कर रख दिया है। हर कोई डरे सहमे हैं। देखिए सोसाइटी के सदस्य राजकुमार राठी क्या बोल गए। कोरोना महामारी के चलते हमने अपने बीच से काफ़ी लोगों को खोया है। इसी दौरान हमारी सोसाइटी में एक परिवार जिसमें 4 सदस्य और 2 बच्चे निवास करते थे, कोरोना महामारी के दौरान बच्चों के दादा दादी माता पिता कोरोना की चपेट में शहीद हो गए। 27 अप्रैल को उनके दादाजी की मृत्यु हुई। 4 अप्रैल लगभग शाम को 6 बजे अश्विनी जी उनके पिता की मृत्यु हुई। उसी रात कुछ घंटे बाद बच्चों की दादी की मृत्यु हुई और 3 दिन बाद यानी 8 मई 2 बजे उनकी माता जी निर्मला जी की मृत्यु हो गई। इनके शव के लिए एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया लेकिन सरकार की ओर से किसी भी एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हुई, जिसके चलते प्राइवेट एम्बुलेंस को के द्वारा इनको शमशान घाट भेजा गया। शमशान घाट में भी उन लोगों का रवैया काफ़ी बुरा रहा है। अश्विनी जी की जब 5 तारीख को उनके शव को 94 शवदाह में ले भी गए, उनको भी काफ़ी जो अपना जो टोकन पर्ची काटते हैं काफ़ी नखरे रहे हैं कि ये व्यक्ति क्रॉसिंग रिपब्लिक का रहने वाला है और शारदा हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु हुई तो यहाँ क्यों ले आए। हमने कहा भैया इनके घर में कोई नहीं, आप इनको जरा प्लीज़ इसको थोड़ा सा करो, दाह संस्कार तो करना ही कि आप मुंह उठा के चले आते हो। तो आप काफ़ी हमने चीज़ का समस्याओं का सामना करना पड़ा और अब दोनों बच्चियाँ इस कोरोना की महामारी में के दौरान अनाथ हो गई। इसी महामारी में हमारी सोसाइटी लगभग 12 से 15 लोग चले गए हैं। सोसाइटी में दहशत का माहौल बना हुआ है। कोहराम लाइव के लिए भावना ठाकुर की रिपोर्ट।